देवी और सज्जनों, आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अधिक मास की संकटी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में, या ऐसा बोलें पुरुषोत्तम मास या मल मास की संकटी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। इस संकटी चतुर्थी का पूरा नाम है विभुवन संकटी चतुर्थी व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से आपके सारे पाप कट जाएंगे, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर सुने, कथा को आखिरी तक जरूर सुने, जिससे कि आपको पूरा लाभ मिले। प्रत्येक संकटी व्रत की एक विशिष्ट कथा होती है। विघ्नहर्ता कहे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास की संकटी चतुर्थी व्रत को विभुवन सवकाष्ठी चतुर्थी व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश के भक्त विभुवक पालक महागणपति और उनसे जुड़े दूर्वा, बेलपत्र, पीठ की पूजा करते हैं। संकटी का अर्थ है संकट या समस्याओं से मुक्ति, और इसलिए भक्त दिन भर का उपवास रखते हैं और रात में चंद्रमा को देखने के बाद ही इसे तोड़ते हैं। प्रत्येक संकटी व्रत की एक विशिष्ट कथा होती है। अधिक मास के दौरान भगवान गणेश को समर्पित इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा को आज हम जानेंगे और सुनेंगे, जिन्हें विघ्नहर्ता बाधाओं का निवारण करने वाला माना गया है, जिन्हें विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है, उनकी यह व्रत कथा है। आइए जानते हैं विभुवन संकटी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। नारद पुराण में इस कथा का वर्णन किया गया है। इस पुराण में यह बताया गया है कि किस विधि से संकटी चतुर्थी व्रत किया जाना चाहिए और इस व्रत के दौरान किस कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। विभुवन संकटी चतुर्थी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में जब पांडव द्रौपदी के साथ जंगलों में रहने को मजबूर थे, उस समय उन्होंने महर्षि वेदव्यास से यह प्रश्न किया कि प्रभु, हमारे दुखों का अंत कैसे होगा? इतने अधिक समय से हम पांचों पांडव और हमारी अर्धांगिनी द्रौपदी दुख भोगते आ रहे हैं। अब इन कष्टों भरे जीवन से हमें उबारने के लिए कोई रास्ता बताएं। इस पर महर्षि वेदव्यास ने यह उत्तर दिया कि अधिक मास में आने वाले विभुवन संकटी चतुर्थी व्रत को परम पावन माना जाता है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और यह व्रत विभुवक पालक भगवान गणेश को समर्पित है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान गणेश की आराधना करता है और उसके सभी दुख दूर होते हैं। इसलिए आप सभी यह व्रत कीजिए। वेद व्यास जी के कहने पर पांडवों ने द्रौपदी समेत यह व्रत किया। महर्षि वेद व्यास ने राजा चंद्रसेन और उनकी रानी रत्नावली की कहानी सुनानी शुरू की। कहानी के अनुसार दुश्मनों द्वारा उनके राज्य को लूटने के बाद चंद्रसेन और रत्नावली को जंगल में शरण लेनी पड़ी। कभी विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले शाही जोड़े को भोजन और आश्रय के लिए जंगलों में भटकना पड़ा। एक दिन वे अनजाने में पानी की तलाश में मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए और उस स्थान के बारे में जानने के बाद जहां वे गलती से गए थे, राजा ने ऋषि का आशीर्वाद लिया और अपनी आपबीती सुनाई। हालांकि द्रौपदी की तरह उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने ऐसी कठिनाइयों को सहने के लिए पाप किए हैं। इसलिए उसके प्रश्न का उत्तर खोजने में मदद करने के लिए मार्कंडेय ऋषि ने चंद्रसेन को उसके पिछले जन्म के कर्मों के बारे में याद दिलाया। अपने पिछले जन्म के दौरान चंद्रसेन शिकार करने के लिए एक जंगल में गया था। वहां उनकी नज़र लाल वस्त्र पहने कुछ नाग कन्याओं पर पड़ी।
जैसे ही उसकी नजर उन पर पड़ी, उसने जानना चाहा कि वे झील के किनारे क्या कर रही हैं। तब नाग कन्याओं ने उन्हें बताया कि वे अधिक मास संकटी चतुर्थी व्रत कर रही हैं, जो उनकी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करता है। नाग कन्याओं से प्रेरित होकर राजा ने व्रत करने का निर्णय लिया। हालांकि नाम प्रसिद्धि और शक्ति जीतने के बाद राजा अब भगवान के प्रति आभारी नहीं रहे, वह अहंकारी और अन्यायी हो गया था। इसके बाद उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, इसलिए उन्होंने लाभ प्राप्त करने और पिछले जन्म के दुष्कर्मों का श्राप देने के लिए एक बार फिर से एक साई घराने में जन्म लिया। इस प्रकार इसके बारे में जानने के बाद चंद्रसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर कभी ऐसी गलती नहीं करने की कसम खाई। उन्होंने अधिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन रत्नावली सहित पूरे मन से व्रत किया और उसकी भक्ति और विश्वास ने अद्भुत काम किया और उसे अपना खोया हुआ राज और गौरव वापस मिल गया। आखिरकार द्रौपदी को अपना अवतार मिल गया और इसी तरह पांडवों को भी, जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, अपना सारा सामान और अपना सारा राज्य खो दिया। किसी व्यक्ति का कर्म उसके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यह कथा लोगों को आत्मनिरीक्षण करने की याद दिलाती है, अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसी है भगवान संकटी की यह व्रत कथा। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।